नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कनपुरिया टेक में। आज हम बात करेंगे कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि श्री रामचरितमानस के बालकांड में बाल मिल रहे हैं, तो क्या ये बात सच है? आज हम उसकी पुष्टि करते हैं। तो हम अपने एक श्री रामचरितमानस की बुक किताब उठाएंगे और उसमें देखेंगे कि क्या सच में श्री रामचरितमानस के बालकांड में बाल मिल रहे हैं। तो आइए इसका पता लगाते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बाल की प्राप्ति आपको उसी पुस्तक में होगी जिसकी आप 3 से 4 बार पूजा करा चुके हों या जिसका 3 से 4 बार पूजन हो चुका हो। यदि आपके पास कोई नई किताब है तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी पुस्तक है जिसकी 3 से 4 बार पूजा हो चुकी है, तो हम उसमें ट्राई करते हैं। इससे बालकांड में करीब 400 के आसपास पेज हैं, तो उसे आप सावधानी से देखिएगा क्योंकि हो सकता है पूरी किताब 400 पेज वाली बालकांड आप देख लें लेकिन आपको बाल ना मिलेंगे। हमारे एक सज्जन मित्र हैं, उन्होंने पहले पूरा बालकांड देख लिया लेकिन उनको बाल की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन जब उन्होंने दोबारा से देखा तो वो बाल उनको 3रे पेज पर ही मिल गया। तो यहाँ पे तो हम वही कह सकते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे एक धड़धड़ राम है दुनिया देखे नाही। तो चलिए देखते हैं कि हमें बाल की प्राप्ति होती है या फिर नहीं। हमारे पास ये श्री रामचरितमानस है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं पहले पेज से। और सबसे हम लोग पूछते हैं पहला कांड होता है, ये पहला कांड बालकांड होता है, स्टार्ट होता है बालकांड। कहते हैं कि इसी बालकांड में लोगों को बाल की प्राप्ति हो रही है और उस बाल को लोग हनुमान जी की पूंछ का बाल भी कह रहे हैं। देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये हम लोग पेज नंबर 24-25 पे आ गए हैं। 26 पे देखते हैं तो यहाँ पर कुछ नज़र आ रहा है। नहीं नहीं कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, शायद हम लोग बढ़ते ही जाएंगे। तो ये हम लोग पेज नंबर 305 पर हैं लेकिन अभी तक बाल की कोई प्राप्ति नहीं हुई है और ये बालकांड भी ख़त्म होने वाला है। अरे ये क्या, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक बाल की प्राप्ति हुई है। ये बाल आप देख रहे हैं, ये हाँ, ये लाइट में आपको और अच्छे से नज़र आ रहा होगा। तो ये बात सच निकली है, मेरे रामचरितमानस में तो निकली है और मैंने अपने दोस्तों और कई संबंधियों को भी इस बारे में बताया, रिश्तेदारों को भी। उनमें से जितने मेरे जानने वाले थे सबके रामायण में एक बाल जरूर निकला है। तो मित्रों हमें बाल की प्राप्ति हो चुकी है, तो अब देखते हैं कि अगर हमें बाल मिल गया है तो उस बाल प्राप्ति का क्या मतलब है। तो ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि ईश्वर मनुष्य के पतित के विरुद्ध कार्यों से नाराज़ है। अब क्यों नाराज़ है? क्योंकि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि इंसान ने इस नेचर का इतना दुरुपयोग किया हुआ है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है जिसको उसने अपने स्वार्थ के लिए यूज़ ना किया हो। और लोग ये कहते हैं कि अगर आपको बाल मिल रहा है तो ये बाल का मिलना विनाश का प्रतीक है। इसका एक ये भी लोग बता रहे हैं कि महामारी जब भी फैलती है तब तब श्री रामचरितमानस के बालकांड में बाल की प्राप्ति होती है। और हम जानते हैं पूरे विश्व में कोरोना नाम की महामारी आज फैली हुई है, तो हो सकता है कि बाल की प्राप्ति इसलिए भी हो रही हो। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ईश्वर ने, भगवान ने हमें कोरोना से बचने के लिए एक ही उपाय प्रदान किया है। ये जो बाल हमें मिला है तो इस बाल के द्वारा हम अपने अपने परिवार को, अपने चाहने वालों को कोरोना नामक बीमारी से बचा सकते हैं। तो देखते हैं कि इस बाल का हम क्या करना है। तो बाल को गंगा जल से धो लें और उसे एक स्वच्छ लोटे में जिसमें गंगा जल भरा हो उसमें डाल दें। अब इस गंगा जल का पूरे घर में छिड़काव कर लें, अपने सभी कमरों में, किचन में, जहाँ जहाँ आप जाते हो वहाँ पे इसका छिड़काव कर लें
और उस जल का कुछ भाग अपने प्रियजनों को प्रसाद के रूप में दें और बचे हुए जल को तुलसी माता को अर्पित कर दें। तो और जो बाल बचा उसका क्या किया जाए, उस बाल को या तो आप पुनः उसी स्थान पर रख सकते हैं रामचरितमानस में जहाँ पर वो मिला था, या फिर आप तुलसी माता पर उसको चढ़ा दें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपा करके हमें अपने कमेंट दें और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको बाल की प्राप्ति हो रही है तो हमें भी बताएं कि आपको बाल की प्राप्ति हुई या फिर नहीं हुई। धन्यवाद।